नमस्कार साथियों, आज मैं आपको हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा की तहसील चुरा की ग्राम पंचायत जुंगरा के गांव शौहा के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। गांव शौहा में माता काली का काफ़ी ऐतिहासिक मंदिर यहां पर स्थापित है। ये मंदिर सतयुग से स्थापित है। आप देख सकते हैं जो मंदिर का अभी जो निर्माण है, वो जो ढांचा है वो बिल्कुल एकदम नया है, लेकिन जो ये मंदिर बना है, जो स्थापना हुई है, वो सतयुग में स्थापना हुई है। ये है प्रांगण काली माता का मंदिर, और हर साल इस प्रांगण में बैसाख के तीसरे रविवार को जात्र मेले का आयोजन किया जाता है। और अभी मैंने इस मंदिर के इतिहास के बारे में जो जानकारी हासिल की है मंदिर के पुजारी और काली माता के चेला जी से, उन्होंने मेरे को बताया कि इस प्रांगण में सतयुग में बहुत बड़ा गू प्रजाति का पेड़ था, और जब चेला को ये बात माता ने बताई कि इस गू के नीचे काली माता की मूर्तियां हैं, तो लोगों ने उस पेड़ को काट करके, उस पेड़ को जड़ से उखाड़ करके यहाँ पर माता की मूर्तियाँ निकली थी। तीन मूर्तियाँ निकली थी, एक केलंग बजीर की, काली माता की और नाग देवता की। और साथ में आप देख सकते हैं उसी ज़माने में काफ़ी बड़े बड़े यहाँ पर पत्थर, विभिन्न आकृतियों वाले पत्थर यहाँ पर जो है वो निकले थे। एक पत्थर बिल्कुल आप देख सकते हैं उसी ज़माने का यहाँ पर है। और साथ साथ में आपको ले चलता हूँ जो तमाम जानकारी है, जो इस मंदिर में ऐतिहासिक जानकारी है उसके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन अभी मैं आपको ले चलता हूँ मंदिर के नज़दीक में। मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पर जो एक साथ तीन मूर्तियाँ निकाली गई थी, वो है पहली मूर्ति केलंग बजीर जी की, और उस ज़माने का ये पत्थर है। साथ में काली माता, ये काली माता का मंदिर है। इसके साथ साथ नाग देवता जी का भी एक ऐतिहासिक मंदिर है। तो मैं जो आगे की जानकारी है मैं पूछना चाहूँगा मंदिर के पुजारी श्री ब्रजलाल जी से कि कृपया आप बताएं यहाँ की ऐतिहासिक जानकारी। यहाँ पे नीचे एक पेड़ था, गू प्रजाति का पेड़ था, उसके नीचे माता की मूर्ति थी। जब मेरे चाचा जी कांपते थे तो माता ने बताया कि इसके नीचे मेरी मूर्ति है, उसको निकालो। तो यहाँ पे सतयुग में तीन जात्रे होती थी, तो माता ने कहा कि मेरी तीन जात्रे होनी चाहिए। फिर चाचा जी माफ़ी मांगकर माता से क्षमा याचना बताकर कि माता हम तीन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि एक जात्र हम आपकी दे सकते हैं। तो माता ने कहा कि ठीक है, एक ही सही। तो ये जात्र बैसाखी के तीसरे एतवार को होती है। तो यहाँ पे बहुत प्रसिद्ध मेला है, ये मेला अभी 100 साल पुराना मेला है। तो ये जानकारी देते हुए इतना बता सकता हूँ मैं कि जय माता दी। धन्यवाद ये केला जी। अब मैं निवेदन करूँगा काली माता के पुजारी श्री देसराज जी से कि कृपया बताएं कि आज भी काली माता के यहाँ पर जो है वो चमत्कार, किस तरह के चमत्कार होते हैं, उसके बारे में जानकारी दें श्री देसराज जी। जय माता दी। मैं देसराज पुजारी, इस काली माता का पुजारी हूँ। मैं काली माता का चमत्कार आपको बताऊंगा कि ऐसा ऐसा चमत्कार होता है यहाँ पर। चमत्कार ऐसा है काली माता का, जब बारिश नहीं होती तो यहाँ पर काली माता हम मनाते हैं। ये जल पर थल है, जल पर ये थल है। जब सूखा पड़ता तो हम इसकी पूजा करते हैं, तो सूखे सूखे में यहाँ पर एक बहुत बड़ा पेड़ है, इसके नीचे पानी निकलता है, बहुत पानी निकलता है, बहुत चमत्कार होता है यहाँ पर। काली माता सबको प्रसन्न कर देती है।
तो यहाँ पर बहुत से पुजारी आते हैं, यहाँ पर पूजा करते हैं, सबकी मनोकामनाएं पूरी होती है। तो यहाँ पर काली माता बहुत प्रसन्न होती है, सबकी मन्नत पूरी करती है। ये काली माता, ये काली माता सतयुग में थी, फिर सतयुग में ये मंदिर अगजाड़ में गया था। जब कलयुग प्रथा आ गई तो हमारे चाचा जी थे पहले इस काली माता के चेला जी श्री महाजन पुजारी थे, श्री नेगीराम मेरे पिताजी। तो फिर काली माता उन पर प्रकट हो गई मेरे चाचा, फिर उसने एक पूछ दी थी यहाँ पर मेरे पिंडिया है, वो मंदिर बनाना है, बहुत कुछ करना है। फिर यहाँ पर खुदाई की, यहाँ पर फिर खुदाई करते करते ये पिंडियाँ आ गई तो निकाली गई, यहाँ पर मंदिर बना दिया। फिर काली माता बहुत प्रसन्न हो गई, यहाँ पर मेले लगे रहते थे। फिर यहाँ पर बहुत मेला बड़ा हो गया, फिर माता बहुत प्रसन्न हो गई। जय माता, जय भारत, जय माता दी। शुक्रिया देशराज जी, ये ऐतिहासिक जानकारी मंदिर के माता के पुजारी श्री देशराज जी से आपने सुनी। अब मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि जो भी भाई बहन इस वीडियो को देखेगा सुनेगा, ज़रूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं ज़्यादा समय न लेता हुआ आप सभी से निवेदन करता हूँ कि हर वर्ष बैसाख महीने के तीसरे रविवार को यहाँ पर जात्रा मेले का आयोजन होता है। कृपया अवश्य जात्रा मेले में आएं भविष्य में और माता के दरबार में अपनी मन्नत मांगें। माता रानी सबकी मुराद पूरी करती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय चुरा, जय काली माता।